वेलकम बैक टू तमीज किचन। आज की रेसिपी है ये कॉफ़ी केक। चाय कॉफ़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादा देर तक ख़राब भी नहीं होता, बहुत देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले 1 कप के करीब मैंने मिल्क लिया है, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा फ्लेवर चाहिए ना कॉफ़ी का, तो थोड़ी सी और कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, आपको इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करनी है। ये देखिए जहाँ पर इंस्टेंट लिखा हो ना, आपको वो यूज़ करनी है। तो अभी हमारा सेकेंड स्टेप है, मैंने 1/2 कप मैदा इसमें ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने बेकिंग सोडा लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में। और 1 टीस्पून ही मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारा तीसरा स्टेप है, ये मैंने एक बर्तन लिया, मैं एक बाउल लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कर्ड, 3 टेबलस्पून के करीब मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसको अच्छे से ये भी मतलब मिक्स कर लेंगे इसको भी। तो अभी ये हमारा मैदे वाला मिक्सचर जो हमने सेकंड स्टेप में रेडी किया था ना, तो अभी जो ये थर्ड स्टेप में रेडी किया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ, मतलब कर्ड वाला जो है इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और अभी हम जो कॉफ़ी पाउडर हमने बनाया था ना मिल्क में रेडी किया था कॉफ़ी मिला के, तो अभी धीरे धीरे करके ये डालते जाएंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे। मतलब एकदम से आपको नहीं डालना, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। धीरे धीरे करके डालना है और साथ में मिक्स करते जाना है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा वॉलनट ऐड कर रही हूँ, क्रश किया हुआ अखरोट। अगर ये मतलब अखरोट नहीं है तो कोई भी और ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसको। 10 मिनट के लिए अभी इसको रख देंगे। तो अभी ये मैंने लिया केक ट्रे, तो अभी हम इसको पहले ग्रीस कर लेंगे बटर के साथ, ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो कोई भी घर के बर्तनों के साथ आप बना सकते हैं ये केक आसानी से। और साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है बटर पेपर, इसको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। बटर पेपर नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले ऑयल अप्लाई करके उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए चारों ओर, ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए। तो अभी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और आपको याद रखना होगा, केक बनाते हैं 2-3 चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती है। केक कभी भी जब आप ट्रे में डालते हैं ना किसी भी बर्तन में, तो उसको हाफ तक करना है, भरना है, मतलब पूरा नहीं भरना, नहीं तो उसको जगह नहीं मिलेगी फूलने की, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैंने हाफ डाला है उसमें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने क्रश किया हुआ अखरोट डाल दिया है। और दूसरी बात याद रखनी है, जब केक बन जाता है ना उसको ठंडा होने दे 15-20 मिनट, एकदम से उसको नहीं निकालिए तो वो चिपक जाएगा अंदर ही। तो अभी कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है 5 मिनट के लिए, मैंने गैस का फ्लेम लो करके गर्म कर लिया था ताकि इसकी हीट निकलनी स्टार्ट हो जाए। तो अभी मैंने स्टैंड रख दिया है, स्टैंड नहीं है तो प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे, 30-35 मिनट तक इसको पकाना है गैस का फ्लेम लो करके। जैसे कि टाइम हो गया है, बाहर से भी बोल रहा है, दिख रहा है कि मतलब पक गया है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं उसकी शक्ल कैसे पूरा पका हुआ लग रहा है कि हाँ भाई पक गया है। तो टूथपिक की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं, अगर तो टूथपिक क्लियर होके बाहर आ जाता है तो मतलब इसका केक पक गया है, केक हमारा धोखे बाज नहीं है। तो अभी हम इसको निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे जैसे कि मैंने बताया था 15-20 मिनट बाद। तो ये देखिए अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, केक ठंडा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, चाकू की हेल्प से चारों ओर एक बार हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो अभी हम इसको पलट देंगे, तो ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। इसका बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम इसको पलट लेते हैं और इसको पीसीस में कट कर लेते हैं, जो जो शेप आपको अच्छी लगे वैसी शेप पे कट कीजिए।
तो लो जी साडा केक हो गया है रेडी, मैं ते खान जा रही हां, तुसी भी बनाओ ते तुसी भी खाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।